अब बात करते हैं अगली खबर जो खाद्य तेल से है। बता दें खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट की वजह से घरेलू मार्केट में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल, तिलहन, बिनौला, सीपीओ, पामोलियन तेल समेत सभी तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आयात शुल्क में कमी नहीं किए जाने की वजह से मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट देखने को मिल रही है। वही बता दें मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि सूरजमुखी और सोयाबीन की रिफाइनिंग कंपनियों को मार्च 2024 तक हर साल 20 लाख टन के सालाना आयात पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करने के बारे में सोचा है। वहीं इसके लिए रिफाइनिंग कंपनियों से 27 मई से 28 जून तक जानकारी मांगी गई है कि वह कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने का इरादा रखती है। वहीं आपको बता दें कि ये छूट केवल उन कंपनियों के लिए है जो आयातित तेल का परिशोधन करने के बाद उपभोक्ताओं को इसे बेचने का इरादा रखती है। वहीं आयात शुल्क में छूट दिए जाने की संभावना से वंचित रहने के कारण मलेशिया में बाजार टूट गया है और सीपीओ और पामोलियन तेलों में गिरावट देखने को मिली है जो कि सामने आई है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सूरजमुखी और सोयाबीन डिगम के आयात शुल्क में कमी किए जाने के बीच विदेशों में आई गिरावट के कारण स्थानीय कारोबार भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सूत्रों ने कहा कि आयात शुल्क कम ज्यादा करने की जगह सरकार को तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा जो दूसरे देशों पर आयात की निर्भरता को खत्म करने में मदद करेगा। तो ये थी बड़ी खबरें और आज और बड़ी खबरों के लिए अभी आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।